किया है और तो ब्रह्मा स्वयं मानते हैं कि हमने अपराध किया है। कृष्ण की दृष्टि में कोई अपराध? कभी कभी मन ऐसा होता है। एक बार मेरे पास कहीं से बड़ी सुंदर कलम आ गई, देखने में भी अच्छी थी और काम भी अच्छा करती थी, कीमती थी। वृंदावन में था, बंबई नहीं आया था, जब कलम की चोरी हो गई। देखो, हमको बिल्कुल मालूम नहीं था कि कलम किसने चुराई है ना, ये बात बिल्कुल कोई शंका भी मन में, दादा वादा ने किसी किसी पर शंका की पर वो झूठी निकली। बिल्कुल ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति हमारे पास जो कहीं बाहर से दर्शन करने के लिए आया करता था, वो आया एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आया, परंतु जब वो आवे तो ऐसा संजोग बैठ जाए कि मैं उससे बात न करूं। मेरे मन में उसके पर कोई शंका नहीं थी, परंतु ऐसा संजोग बैठे कि वो आवे तो मैं उससे बात ही न करूं, किसी दूसरे काम में लग जाऊं, किसी दूसरे से बात करने लग जाऊं। अब उसके मन में ये द्वंद हुआ कि स्वामी जी समझ गए कि कलम मैंने ही ली है, इसलिए मुझसे बात नहीं करते हैं। तो दो महीने के बाद अपने आप ही रख गया हो हाथ जोड़ के, है? कि महाराज आप हमसे बात तो किया करो। अब मुझे तो मालूम नहीं था भाई, बिल्कुल नहीं मालूम। एक ईश्वर की लीला भी तो सृष्टि में चलती है ना। देखो, किसी को देख करके मन में प्रीति का उदय होता है, किसी देख कर मन में विकार का उदय होता है। किसी के शांत चेहरे को देखते हैं तो चित्त में भी शांति आ जाती है। किसी को देख के शांति आती है मन में, किसी को देख के विकार आता है मन में, किसी को देख करके प्रेम होता है मन में। तो ये तो अपने मन की बात हुई ना, सामने वाले के मन की बात थोड़ी हुई। जिसके बारे में हम ख्याल करते हैं कि शांत है, उसको देख के शांति आती है, ख्याल तो अपना ही है सारा। अब ब्रह्मा जी के मन में अपनी अशांति है,
कृष्ण ने थोड़ी कहा कि तुम चोर हो, अपना अपराध अपने को काट रहा है। कृष्ण का विचार देखो, वृंदावन में आए हैं, यदि ब्रह्मा जी से बात करेंगे और कंस का कोई खुफिया सीआईडी का आदमी देख ले कि ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं, तो वो समझ जाएगा कि ये भगवान ही यहाँ छिपे हुए हैं, ईश्वर है तो पहचान जाएंगे। बोले नहीं बाबा, अपन तो चुप रहो, तुम्हें जो कहना हो सो कह जाओ। अनुजानी ही माम कृष्ण सर्वम त्वम वेत्सि सर्वदृक्। अपनी महिमा को भी तुम ही जानते हो, जगत को भी तुम ही जानते हो, हमको भी तुम ही जानते हो, क्योंकि तुम सर्वदृक् हो। सर्वंच दृक् अभिन्न निमित्तो उपादान कारण हो जगत के, जैसे स्वप्न में मन ही उपादान कारण और मन ही निमित्त कारण, वो जो सामग्री है ना स्वप्न में, एक चोर है, एक साहूकार है, एक देवता है, एक पुजारी है, वो तो कौन है? देवता और पुजारी दोनों अपना मन है, चोर और साहूकार दोनों अपना मन है। तो ये जगत ईश्वर में कैसा है? जगत तत्त्वार्पितम् त्वमेव जगताम् नाथो, जगत तत्त्वार्पितम्। जैसे सोने के पत्थर में कोई श्लोक उभार दिया जाए, टाँकी मार मार के खोद दिया जाए, या दबा के, या खोद दबा के, या लकीर बना दी जाए, तो वो चाहे क हो, चाहे ख हो, चाहे ग हो, देखने में क ख ग अलग अलग हैं, लेकिन दरअसल वो सोना है कि नहीं है। तो इसी प्रकार ये ईश्वर में जो ये खचित दुनिया है, ये असल में ईश्वर ही है। साबरमती आश्रम में गए अहमदाबाद, तो वहां गांधी जी का एक चित्र कहीं चीन जापान से बन के आया हुआ रखा था, दिखाया जाता। उसमें जैसे आपकी साड़ी में किनारे पर मोर बना देते हैं ना, मोर सूत का ही मोर होता है, सूत का ही हंस होता है, सूत का ही फूल, सूल का ही, सूत का ही पत्ता, सूत की बेल, तो वो बेल नहीं है, पत्ता नहीं है, फूल नहीं है, सूत है। वहां तो मैंने देखा बिल्कुल सफेद कपड़ा आदमकद, और उसमें गांधी जी हाथ में डंडा लिए, कोई रंग नहीं था, केवल सूत्र का विन्यास ही ऐसा था, ऐसे ढंग से वे सूत बैठा दिए गए थे कि उसमें मालूम पड़ता कि गांधी जी हाथ में डंडा लिए और घुटने तक कटिवस्त्र पहने और दांडी की यात्रा कर रहे हैं। क्या ऐसा ही है ना कुछ नाम, दांडी, दांडी की यात्रा कर रहे हैं। अब उसमें गांधी जी का डंडा कौन था? सूत। और गांधी जी का वो चलता हुआ पांव कौन था? सूत। का उसमें जो कपड़ा पहने हुए थे कटिवस्त्र घुटने तक, वो क्या था? वो भी सूत ही था। और उनका सिर सूत, उनका चलना सूत, वो रास्ता जो बना हुआ था सो, वो भी सूत ही था, वो रंग नहीं था बिल्कुल। तो ये सृष्टि में जो आकृति विन्यास है, जो तरह तरह की शकल बनी हुई है, ये कैसी है? जैसे सूत में सूत से ही बनी हुई, ऐसे ढंग से सूत को बैठा दिया गया। ये हमारा सूत्रात्मा, ये हमारा सूत्रात्मा इस ढंग से विन्यस्त हो गया कि ये सारा प्रपंच अपने स्वरूप में अध्यस्त दिखता है, ब्रह्मातिरिक्त कोई प्रपंच नहीं है। त्वमेव जगताम, इस अर्थ में वेदांत के मत में भी जगत सत्य ही है। बोला ओ माने अधिष्ठान सत्ता से सत है,
और अध्यस्त रूप में असत है। यदि ब्रह्म से पृथक कोई जगत नाम की धातु है तो वो मिथ्या है, परंतु ब्रह्म रूप से सब सत्य है। अधिष्ठान सत्या सर्वम सत्या, ये शंकराचार्य भगवान जो है उनके से, ये बच्चे वेदांती जो होते हैं ना, अभी जो घट का दृष्टा घट से न्यारा होता है ये विवेक कर रहे हैं, उनकी समझ में आने लायक ये नहीं है। जगत एतत् तवार्पितम्, एतत् जगत त्वयि अर्पितम्, ये दुनिया कहाँ बनी, तुम में बनी। अरे छोड़ो अभिनिवेश कि हम ऐसे बने रहे। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक पुस्तक हाथ में उठाई तो उसमें ऐसे लिखा था कि यदि ये शरीर बाहर वाला हिस्सा भीतर और भीतर वाला हिस्सा बाहर होता तो कैसा होता, उसमें ऐसे लिखा था है ना, सुंदरियों और सुंदरों है ना, सजनी और साजन, दोनों इस बात पर विचार करें कि ये चाम तो होता भीतर आंख से ओझल, और जो भीतर छिपा हुआ है वो होता बाहर, तो क्या होता, उसमें ये बात बताई थी। पीप खून मांस हड्डी विष्ठा मूत्र जो भीतर भरा है वो बाहर की ओर होता और ये चमड़ी भीतर की ओर होती, तो क्या होता, बोले कि हम अपने आप ही अपने ऊपर थूक देते। नारायण देखो ना, एक और उसमें बहुत बढ़िया कल्पना थी, लिखा था कि धरती है, धरती धरती के ऊपर दो लाल कमल औंधे करके रखे हुए हैं, उनके ऊपर दो केले के पेड़ उल्टा के रखे हुए हैं, जांग से ऊपर मोटे नीचे पतले हो, दो केले के पेड़, उनके ऊपर एक सिंहासन है ये नितंब, और उनके ऊपर कमर है शून्य, लाल कमल तो है तलवे बोला, और उल्टा केला का पेड़ दो खंबे, केले के खंबे एक जांग, और उसके ऊपर सिंहासन बोले नितंब, तो उसके ऊपर शून्य, शून्य माने कमर, इतनी पतली की मालूम ही न पड़े कि कमर है, उसके ऊपर दो स्वर्ण कलश, उसके ऊपर एक चंद्रमा, और उसके ऊपर काले बादल केस। ओ माई, बोले ये क्या विचित्र रचना है, कहीं कोई तुक भी है इसमें, अरे वो तो मैं करते करते ये प्यारा लगने लगा है, न तो कोई जोड़ है न तो कोई संबंध है। आपको बतावे हमने देखा है इस शरीर को अलग अलग, ये घुटने जहाँ है ना घुटने, यहाँ कोई जोड़ नहीं है, ऊपर की हड्डी अलग नीचे की हड्डी अलग, जैसे दो चीज को किसी में फंसा दिया जाए, ये केहुनी पर से ये पकड़ा पर से ये हड्डियाँ हो, कहीं कोई जोड़ नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई तुक नहीं है, ये तो अपना अपना होने से, जैसे अपना काला कलूटा बेटा भी बड़ा सुंदर प्यारा लगता है, वैसे ये मैं होने से बहुत अच्छा लगता है, अपनी बुद्धि सबसे अच्छी लगती है ना, चाहे वो भ्रष्ट ही होए, परंतु अपनी बुद्धि सबकी बुद्धि से बड़ी लगती है। बोले गुरुजी ठीक नहीं समझते हैं, ऐसे हम 10 चेलों को जानते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं गुरुजी और ब्रह्म समझते होंगे, पर ये बात गुरुजी ने ठीक नहीं समझी, इस बारे में तो हमारी बुद्धि बड़ी तेज है, तो अपनी बुद्धि को कोई छोटी नहीं समझता, और दूसरे के धन को कम नहीं समझता, क्या समझते हैं कुछ न कुछ तो छिपा के रखा ही होगा। तो ऐसी ये बेतुकी असंबंध बेजोड़ असंगत ये जो शरीर है नारायण, इसको मैं मेरा मान करके हम देखते हैं, अगर ईश्वर की नजर से देखें, अनन्यत अन्यदा भासम, परमात्मा से जुदा कुछ नहीं है पर जुदा मालूम पड़ता है, अनन्यत अन्यदा भासम,
अनाकाशम अनस्वरम, इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं है, इसमें काल वाल नहीं है। अजहम्म ब्रह्म चैतन्यम, इसमें माया भी नहीं है। अहो महदहम महा, आश्चर्य है, आश्चर्य है, मैं महान ज्योति स्वरूप हूँ। ये किरणों का खेल है, पर्दे पर आग नहीं लगी है, ज्ञान की रश्मियां आग लगी दिखाते हैं। पर्दे पर बाढ़ नहीं आई है, ज्ञान की रश्मियां बाढ़ आई दिखाते हैं। तूफान नहीं आया है, जन्मना नहीं है, मरना नहीं है, बढ़ना नहीं है, रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है, रोग नहीं है, संयोग नहीं है, वियोग नहीं है। एक परमात्मा सर्व रूप से बात रहा है। बस बस ये दृष्टि जहाँ आई ना, वहाँ तुम्हारा सारा दुख दूर हो गया, अज्ञान दूर हो गया, मृत्यु दूर हो गया। एक दिन एक भगत जी आए, कहा महाराज भक्ति करते करते युग बीत गया, अभी तो दर्द सहा नहीं जाता है, आप जरा वेदांत की असंगता का थोड़ा उपदेश कीजिए। तो मैं असंग हूँ, इस रोग से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा भले मानुष तुम रो भगवान के सामने कि ये भगवान हमारा दर्द दूर करो, तुम अपनी भक्ति निष्ठा छोड़ करके क्या तुम्हारी निष्ठा में सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारे दर्द को दूर कर दे? काहे को दूसरे के पास जाते? जैसे कोई पत्नी अपने पति को छोड़ करके दूसरे से कुछ मांगने जाए, नौकर मालिक को छोड़ करके दूसरे के पास जाए, चेला गुरु के पास से ज्ञान प्राप्त न कर सके दूसरे के पास जाए, तो निष्ठा की च्युति हो गई ना। अपनी निष्ठा में ही संपूर्ण सामर्थ्य होना चाहिए। हमारी ये जो दृष्टि है, जब हमारे पास सुख नहीं है तब न तुम भीख मांगने दूसरे के घर गए हो भाई, हमारे पास ज्ञान नहीं है तब न दूसरे से मांगते हो, हमारे पास रहने की जीवन की शैली नहीं है तब न तुम भिखारी बने हो। असल में ये भगवत दृष्टि है। जगद एतत् तवार्पितम्। श्री कृष्ण वृष्ण कुल पुष्कर जोषदायिन्, मा निर्जर द्विज पशु दधि वृद्धिकारिन्, उद्धर्म सार्वर हर क्षिति राक्षस द्रुग आकल्प मार्क मरहन भगवन् नमस्ते। आप जदुवंश रूप कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य हैं, आप पृथ्वी देवता ब्राह्मण गाय इनके समुद्र को उल्लसित करने वाले चंद्रमा हैं, आप उद्धर्म रूप अंधकार को दूर करने के लिए सूरज और चंद्रमा दोनों हैं, आप पृथ्वी के राक्षसों का नाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। आर्कम अरहन आकल्पम आर्कम अरहन भगवन नमस्ते। हे प्रभु कल्प कल्प पलक पलक कलप कलप, जब तक सूर्य चंद्रमा रहे तब तक आकल्पम आर्हन आर्कम, कने कल्प वृक्ष से लेकर के आग के पेड़ तक जो कुछ है, कल्प वृक्ष भी आप ही, आकल्पम माने कल्प वृक्ष भी आप ही है, और अर्क माने आग के पेड़ भी आप ही है, आग मदार, मदार के क्षुप से लेकर के स्वर्ग के कल्प वृक्ष तक जो कुछ दिखाई पड़ता है, चोर से लेकर साहूकार तक, चीटी से लेकर ब्रह्मा तक, तृण से लेकर प्रकृति तक जो कुछ मालूम पड़ता है, तृण से लेकर के प्रकृति तक, कीड़ा से लेकर के ब्रह्मा तक, और आग से लेकर कल्प वृक्ष तक, और छेरी से लेकर कामधेनु तक जो कुछ है, सो सब तुम ही हो प्रभु, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो आपके चरणों में हमारा नमस्कार है। अब तो महाराज ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, उनके चरणों में तीन परिक्रमा की और नमस्कार करके चुपचाप चले गए। भगवान ने इशारा सिर जरा हिला दिया, अनुज्ञा स्वभाव हुआ। सबसे बात करना बड़प्पन का लक्षण नहीं है, बहुत बकवादी होना, बकबक करना, अपनी विशेषता
अपनी बकवाद से जाहिर करना, ये बड़प्पन का लक्षण है। शंकर जी की बरात में जब सब देवता लोग आए तो कालिदास ने बड़ा बढ़िया वर्णन किया, विष्णु आए, ब्रह्मा आए, इंद्र आए, सब देवता आए। शंकर जी तो दूल्हा बने बैल पर सवार थे, तो कंपेन मूर्धन सततत्र योनिम, जब ब्रह्मा जी आए तब शंकर जी ने सिर हिला दिया। वाचा हरे, विष्णु भगवान आए तो बोले अच्छा कुशल मंगल है ना, घर में कोई कुशल मंगल पूछने के लिए तो है ही नहीं विष्णु भगवान के, केवल घर वाली हैं, लक्ष्मी जी हैं, तो उनको वो छोड़ते ही नहीं है एक मिनट के लिए। अब पता नहीं अविश्वास लक्ष्मी का विष्णु पर है कि विष्णु का लक्ष्मी पर है, ये तो वही दोनों जाने हैं। लेकिन विष्णु हमेशा अपनी छाती पर लक्ष्मी जी को रखते हैं और लक्ष्मी जी ने कहा कि ये जगह ठीक है, दूसरे को छाती से लगावेंगे तो हमको मालूम पड़ता है, दूसरे को छाती से लगावेंगे नहीं छाती पर बैठेंगे। बोले कि बाबा घर में शांति बनी रहे तुम छाती पर बैठो, तो कुशल मंगल कुल पूछने का। इंद्र आए तो मुस्कुरा के देख लिया, मुस्कुराए सिर, इंद्र को देखकर मुस्कुराए, ब्रह्मा जी के लिए सिर हिला दिया, विष्णु से कुशल मंगल पूछ ली और बाकी जितने देवता थे उनकी ओर देख लिया। इन्हें गबर गबर बात करना, सबसे बहुत बात करना कोई बड़प्पन का लक्षण नहीं है। जब सामने वाला चुप हो जाए, बोलने का अवसर दे, अवकाश दे, तब न बोलना। बोलिए तो तब जब बोलिए की रीति जानो, बोलना आता हो तब बोलना चाहिए, परिणाम का विचार करके बोलना चाहिए, प्रतिक्रिया का विचार करके बोलना चाहिए। ततो व्याप्य भगवान स्वभुवाम, हमारे खेल में बाधा मत डालो। अब जो पहले वाले बछड़े थे उनको हाँक करके श्री कृष्ण पुलिन पर ले आए और वहाँ पहले वाले जो सखा है वो खा रहे थे। एक वर्ष बीत गया बिना श्री कृष्ण के, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसी माया फैलाई, कृष्ण माया हता राजन क्षणार्धम में निरेर्भका, ऐसी माया है। आप क्या सुना है, कभी कभी घड़ी देखते देखते आंख लग जाती है और फिर खुलती है तो ये ख्याल होता है 5 मिनट हो गए होंगे, लेकिन घंटे भर बीत गया होता है पता ही नहीं लगता है। कभी कभी सपना देख लेते हैं, वर्षों का सपना देख लेते हैं, आंख खुलती है तो मालूम पड़ता है कि अभी तो 10 ही मिनट हुए हैं मैं जाग रहा था, 10 मिनट में इतना सपना आ गया। इसी का नाम है माया। ये दुनिया ऐसे ही चल रही है बोला, विस्मरंती हो माया मोहित चेतसः, दुनिया में लोग भूल जाते हैं, माता पिता मर जाते हैं तो लगता है कि अब तो हम अनाथ हो गए, बरस दो बरस में याद नहीं आती है, और कोई याद दिलावे तो कहते हैं कि देखो ना ये हमको रुलाने के लिए याद दिलाते हैं, याद करना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसी माया से मोहित होकर के ये सारा जगत विस्मृति के गड्ढे में गिर रहा है, जो पीछे छूट गया वो छूट गया, जो आगे आने वाला है उसका पता नहीं, एक दुनिया दिख रही है। बोले आओ आओ कृष्ण आओ, स्वागत है स्वागत है, वाह 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 वाह, शाबाश नंद के लाडले, इतनी जल्दी बछड़ों को लेकर आ गया, अभी तो हमने एक ग्रास भी नहीं खाया है। नई को व्यभोज कवलहा यही तस्वादु भुज्यता, आओ आओ हमारे साथ बैठो। अब तो ऋषिकेश भगवान भी हंसने लग गए, हंसी आ गई, और बच्चों के साथ बैठ करके भोजन किया। देखो उन्होंने भी देखा, देखो मैं लेके गया था कि रास्ते में खाता भी रहूंगा और बछड़ों को ढूंढता भी रहूंगा, क्योंकि वो काशी के कोई पंडित तो थे नहीं कि चलते चलते न खाएं, वो तो ग्वाले थे हैं। बोले भाई खाते भी रहेंगे ढूंढ भी ले आएंगे। आजकल के बाबू लोग समझते हैं कि हम ही चलते चलते खाते हैं,
पहले के लोगों को ये विद्या नहीं मालूम होगी। हमने देखा हो, कानपुर में एक पार्टी हुई थी तो बड़े बड़े मिनिस्टर मिनिस्टर सब आए थे, तो वो तो महाराज अपने हाथ से निकाले और इधर उधर घूम के घूमते हुए दो 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 आदमी चार चार आदमी एक एक साथ हो गए, घूमते हुए खाते जा रहे हैं और गप फांकते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। न बैठने के लिए आसन की जरूरत, न थाली की जरूरत, न पानी पीने के लिए गिलास की जरूरत है। ये बड़प्पन का लक्षण। ये लोग समझते हैं कि हम लोग क्लब में जाते हैं नाचते हैं तो हम बड़े अग्रगामी, और कृष्ण को कोई नाचना थोड़ी आता था। अरे तुम्हारे लिए जो बड़प्पन का लक्षण है उसको कृष्ण में देख के तुम मीन मेक निकालने वाले कौन होते हो। अब महाराज लौटे जब वहां से तो क्या दिखाते हैं कि वो एक बरस पहले जो अघासुर मारा गया था ना उसका चाम पड़ा हुआ है, अध्यास तो मिट गया, जीवत्व का भ्रम तो मिट गया, परंतु चाम जो है उसका प्रतीति मात्र शरीर बना हुआ है। बरह प्रसून वन धातु विचित्रितांग क्रोद्दाम वेणु दल श्रृंगरवोत्सवाढ़ वत्सान गृणन अनुगीत पवित्र कीर्तिर गोपी दृगुत्सव दृषि प्रविवेश गोष्ठम। सिर पर है मयूर का मुकुट, फूलों से अपने बाल को सजा रखा है और वन की धातुएं शरीर में लगा रखी हैं, चित्र विचित्र शरीर मालूम पड़ता है। कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई पत्ता बजा रहा है, दल हो बांस के भी पत्ते जब नरम नरम छोटे छोटे होते हैं तो उनको बजा सकते हैं। और नरकट होता है, एक नरकट जिसके भीतर छेद होता है, कलम बनाते थे पहले लिखने के लिए, उसके पत्ते बहुत बढ़िया बजते हैं तो उसकी सीटी बना के बच्चे बजाते हैं। और नरकट का छेद बांस का छेद सब बजता है। खूब आनंद आ रहा, आगे आगे बछड़े चल रहे, पीछे पीछे ग्वाल बाल कीर्ति का गान कर रहे और श्री कृष्ण मोर मुकुट धारण किए, कान में फूल का कुंडल पहने, पीतांबर कंधे पर धारण किए, बांसुरी बजाते हुए और मंडलाकार नृत्य करते, कभी पीछे घूम जाएं, कभी बाएं घूम जाएं, कभी सखा के कंधे पर हाथ रख दें और कभी उछल के किसी के कंधे पर चढ़ जाएं, और कहीं खड़िया लगी है शरीर में तो कभी गेरू लगा है शरीर में, और जरा ले चलो अपने मन को, और देख देख करके गोपियों के आनंद का पारावार नहीं, उनकी आंखें आनंद में मग्न हो रही हैं। भाई जिससे प्रेम होता है उसके देखने में बड़ा आनंद आता है। ये जैसे आनंद है ना हृदय में, आनंद अपने हृदय में होता है, दूसरे में नहीं होता है वो, पर उसको जगाने का निमित्त क्या होता है, अपने प्रिय का दर्शन, प्रिय का नाम, प्रिय का धाम, प्रिय की वस्तु, उसके दर्शन मात्र से, जैसे चंद्रमा को देख करके समुद्र में ज्वार आता है ना, वैसे हृदय स्थित जो आनंद है वो अपने प्रियतम को देख करके आंख में छलक जाता है, तो आंख में से बाहर जाता है। अच्छा तो भीतर के आनंद को जगाने वाला कौन, बोले प्रियतम। तो भीतर के ज्ञान को जगाने वाला कौन, तो महावाक्य, वही इसी को प्रमाण बोलते हैं। अब तो महाराज बोले जसोदानंद सूनुना, ये जसोदानंद का बेटा, कोई बोलता जसोदा का बेटा, कोई बोलता नंद का बेटा, कोई बोलता जसोदानंद का बेटा, दोनों है, दोनों का बेटा, कोई संकोच थोड़े था, सब नाम लेके पुकारते थे, अरे ओ नंद के, ब्रज में बोलते हैं, अरे ओ नंद के। अद्यानेन महाव्यालो जसोदानंद सूनुना हतो विता वयं चास्माद
इति बाला ब्रजे जगहु, ब्रज में आकर के बोलने लगे कि इसने इस बड़े भारी अजगर को मार दिया और हमारी रक्षा कर दी। एक बरस के बाद ये बात आकर के ग्वाल बालों ने ब्रज में कही। ये जल्दी मैंने की है वो सुनाने में, तो क्यों जल्दी की है उसका भाव बताता। एक संत कहते थे कि जब कथा बंद करनी हो तो भगवान को खिलाए के पिलाए के मैया से मिलाए के उसकी गोद में सुलाए के तब कथा बंद करनी चाहिए, नहीं तो कथा में तुम जैसे भगवान को छोड़ोगे वैसे ही कितने दिनों तक रह जाएंगे है? तो संत ने कहा कथा यहाँ जहाँ तहाँ नहीं बंद करनी चाहिए, कथा ऐसी जगह पर बंद करनी चाहिए कि भगवान घर में हो, भोजन कर चुके हो, दूध पी चुके, अंत में थोड़ा दूध भी पिलाना, और मैया की गोद में हो, तब भगवान को है ना कथा पूरी करना। लेकिन इसके बाद एक बहुत बढ़िया प्रसंग है, उसको सुनाने की लालच अपने मन में थी इसलिए भी यहाँ तक आ गया। वो प्रसंग क्या है तो आप प्रश्न सुन लो पहले। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि दुनिया में देखने में आता है कि सब लोग अपने अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, परंतु ब्रजवासियों में ये देखने में आया कि जब तक उनके घर में अपने बच्चे थे तब तक तो वो नंदनंदन श्री कृष्ण से ज्यादा प्रेम करते थे, और जब श्री कृष्ण उनके बच्चे बन के आ गए तो अपने बच्चों को छोड़कर वो कृष्ण से ज्यादा प्रेम करते थे। गौएं अपने बछड़ों से कम प्रेम करती थी और कृष्ण से ज्यादा प्रेम करती थी, परंतु जब कृष्ण बछड़े बन के आ गए तो गौएं उन बछड़े बने हुए कृष्ण से ही ज्यादा प्रेम करने लगी। इसका मतलब ये है कि ये प्रेम का चुंबक, चुंबक आप जानते हैं, ये देखो इसमें ये हमारे हाथ में बना है ना मैग्नेट, ये महाराज खींच ले लोहे को, तो ये कृष्ण के शरीर में कुछ ऐसा लगता है कि प्रेम को आकृष्ट करने वाला कोई चुंबक था। तो गाय का प्रेम खींच लें, गोपी का प्रेम खींच लें, मैयाओं का प्रेम खींच लें, ग्वालों का प्रेम खींच लें, बाप दादाओं का प्रेम खींच लें। अरे ब्रज में तो ऐसा वर्णन है कि चिड़िया जो है ना वो देखती रह जाती थी और गौएं जो है वो देखती रह जाती थी, मोर नाचने लगते थे, कोयल कुहकने लगती थी। ऐसा वर्णन है श्रीमद् भागवत में कि श्री कृष्ण जिस प्रेम पेड़ के नीचे से निकलते थे वो पेड़ छुप जाते थे, और यदि किसी लता को जाके छेड़ दें तो वो लता पेड़ छोड़कर कृष्ण के शरीर बटने की कोशिश करे, लता कृष्ण के शरीर से लिपटने की कोशिश करे, प्रेम फल पेड़ जो है वो फल फूल सहित झुक जाए, और मोर नाचने लगे, कोयल कुहू कुहू करने लगे, गाय घास चरना छोड़ दे, बछड़ा दूध पीना छोड़ दे, और गोपी अपने पति को छोड़ दे, और मैया अपने बेटे को छोड़ दे, और भोजन करने वाला भोजन करना छोड़ दे। ये श्री कृष्ण में इतना चुंबक क्या था, इतना प्रेम क्यों, प्रश्न ये है, ये प्रश्न ये किया गया हो। ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथम भवेत्। दूसरे के बालक कृष्ण अपने बालक भी नहीं, ऐसे कृष्ण में इतना प्रेम कैसे हो गया, जो भूतपूर्वस्तो केशु सोद्भवे स्वपि कथ्यताम। ऐसा प्रेम तो अपने तन से जो पैदा हुए, अपने जो हृत्पिंड, अपने दिल के टुकड़े, उनसे भी इतना प्रेम नहीं, और कृष्ण से इतना प्रेम हुआ, इसका कारण क्या, प्रश्न तो आपके ध्यान में आ गया। अब अगले प्रसंग में सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। बोला ये उत्तर क्या है
ये तो वेदांत का सार है, हो प्रेम का सार, वेदांत का सार। यहाँ पहुंचकर जिस भूमिका में बैठ करके ये उत्तर दिया गया है, उस भूमिका में बैठ जाने पर ज्ञान और प्रेम का भेद नहीं रह जाता। असल ज्ञान और संसार का भेद है, वहां भी मूर्खता है। भेद मात्र ही मूर्ख्य है, और क्या है? भेद बुद्धि माने मूर्खता। तो जहां प्रेम और ज्ञान का भेद है, वहां भी थोड़ी थोड़ी मूर्खता तो माननी पड़ेगी ना। तो सुखदेव जी ने ऐसी भूमिका में बैठ करके, इतनी ऊंची भूमिका में बैठ करके, खिचड़ी नहीं, प्रेम और ज्ञान की खिचड़ी नहीं है ये। अच्छा, नारियल में जो पानी होता है वो क्या शक्कर और पानी का बनाया हुआ शरबत है? शक्कर मिला के पानी में जो शरबत बनाते हैं वो तो शक्कर और पानी की खिचड़ी है ना। शरबत में मिठास होती है परंतु बाहर से मिलाई हुई होती है। ज्ञान की एक ऐसी अवस्था है जहाँ आनंद अध्याहार्य नहीं है। अध्याहार्य माने उधार। आनंद जहाँ उधार लिया हुआ नहीं है, ज्ञान स्वरूप आनंद है और आनंद स्वरूप ज्ञान है। जहाँ ज्ञान और आनंद में, जहाँ ज्ञान और आनंद में, आत्मा और परमात्मा में, सत और चित में जहाँ भेद नहीं होता, ऐसा प्रेम जहाँ अहम मर जाता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपका अहम मर जाएगा तो आपका प्रीतम जिंदा रहेगा? अच्छा, और प्रीतम मर जाए तो क्या अहम जिंदा रहेगा? ये दोनों एक साथ मरते हैं और एक साथ जिंदा होते हैं। मर मर के जिंदा होते हैं, जिंदा हो के मरते हैं। न मरते हैं न जिंदा होते हैं, एक रस एक रहते हैं, ऐसी इनकी स्थिति है। तो आओ, ये जहाँ प्रेम और ज्ञान, जहाँ मैं और तो, जहाँ आत्मा और परमात्मा, जहाँ चेतन और आनंद, जहाँ सत्ता और चित्ता एक है, जहाँ प्रेम ही प्रेम की सृष्टि हो, तो उस भूमिका में बैठ करके ये श्री सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब वो उत्तर हम आपको कल सुना देंगे और इस प्रसंग को पूरा करें।